आज हम तहसील आरिफवाला के ऐसे क्रोकोश इलाके में पहुंचे हैं कि यहाँ देख के हम खुद हैरान रह गए हैं कि यहाँ के लोग जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का बहुत सा फुकदान है। मजीद इसकी क्या डिटेल है, हमारे साथ यहाँ के बासी मोहल्लेदार मौजूद हैं। आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये रियासत मदीना और नए पाकिस्तान की आवाम है। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे रह रहे हैं तो वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो इसकी जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जो है मोहम्मद अमीन जी मोहतरम, असि इतने पहुंचे हैं इस इलाके दे विच, ना इतने कोई सिमरीदा ना इतने कोई गलियां दा अच्छा इंतजाम, बल्कि बहुत बड़ा जौहर सानू नजर आया। बिल्कुल इस तरह तुसी जिंदगी किवें गुजार रहे? बहुत औखी जिंदगी गुजारदे पए हां जी। एक ते साडे गलियां दा निजाम बहुत ज्यादा खराब है, पानी इतने चिक्कड़ खलोता, बंदा पैदल नहीं लंघ सकता, फौत भी हो जाए बाहर बंदा बैठ नहीं सकता है इतने। दूसरा मीटर साडे खंभे देखो जमीन ते पे निके निके बच्चे ने, अगर नाल लग जाए तो कोई जिम्मेवार नहीं गा। असि हर एक बड़िया को एम पी एम एल ए को भी जाते भाई यार साडा कुछ करो, कोई साडी सुनवाई नहीं होंगी पी, लिहाजा मेहरबानी है सानू एक तो पानी पीने वाला जरा साफ लभ जाए किसी पास, बाल सुबह तो लगते देश की सिर तक, कोई किधरों बेचारा भर के लिया, कोई किधरों भर के लिया, पीने वास्ते बहुत आवाजार पानी तो। बाकी गलियां ते खंभे तो सानू बारिश पै जाती है, इतों डर लगता कोई बाहर ही साडा नाल लग के मार जू, जानवरों का डर है, हर शहर का डर है। देखो नजर मारो तो पता लगेगा एक खंभे तो 600 मीटर लगे है, इधर बहुत वड्डा तला है ना, यही कोई बंद कर रहा, इधर नजर मारोगे तो पता लगेगा इतों मच्छर बहुत वड्डिया बीमारियां इतों पैदा होंगे, मच्छर हर शहर इतने वाधू है। मोहतरम गवर्नमेंट तो कोरोना वायरस से करोड़ रुपया खर्च कर रही है, कोरोना के घर च बैठे कोरोना के घर कोरोना साढ़े उत्ते छाई खड़ी है, फिर भी सानू गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं दी भी यार चलो कोई सेफ्टी च महला आ जाए, कोई महला साफ हो जाए, कोई बच्चा ना कोई मुस्तकबिल बन जाए, कुछ नहीं इतने करते पे। बल्दिया को गए वाबडा को गए, बस सानू दो दिन तीन दिन एक दिन दो दिन रोज कहते, अज फिर असि गए एस डी ओ साहब सानू कहते जी असि आने मौका चकन कोई नहीं आया, सानू तो बहुत हवादारी बनी खड़ी, दिल करना महला छड़ के चले जाइए, बाहर भी जगह कोई कितने रही असि जाके, साडे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, बिजली तो सानू ऐसा डर लगता भी साडे बच्चे ना कि ना लग जाए, बारिश आ जाए तो इतने पैदल भी नहीं चल सकते। मतलब मैं आया इतने तो वैसे आम रूटीन गुजरना बड़ा मुश्किल। हाँ जी तुम आप खुद देखा होगा महल्ले चाहे आके वेखो, तुम उधर भी एक खंबा आ मीटर बिल्कुल थले जमीन के उत्ते पै ने, कोई नहीं पुछता दसदा आन के जो इलेक्शन होता उदो आता, वरना कोई नहीं इतने आना। इमरान खान की इमरान खान नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान वेख लो जरा नया पाकिस्तान, तुम्हें भी पता ही है गलियां तुरया नहीं जाता है, दुकानदारा दुकाना बंद कीतियां ने, जेड़े वड्डे वड्डे है हफ्ता देंदे ने उन्हां दी दुकाना खुलियां, और बाकी गरीब आदमियों दी दुकाना भी बंद कीतियां होईयां, बल्दी वाले आते पैसे मांगते ने साडे कोल पैसे को नहीं, असीं कित्थों देके दुकाना खोलीए, जुमा हफ्ता लाकडाउन किया जाके वेखो वड्डियां दी सारियां दुकाना खुलियां, गरीब आदमी दी दुकाना बंद, या शटर चक ने उस वेले साडे पिछे डांग लै गए भी आ दुकाना बंद करो भी जेडे वे नहीं जाते, अभी कहने भी हाँ जी उधर अभी नहीं जाना, सानू उधर पैसे दो खोल लो, अभी किवें खोल लीए दुकाना, ऐ नया पाकिस्तान वेलो साडी बोने डा दी। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद है एक माँ जी के पास, इनसे पूछते हैं कि इस मोहल्ले की हालत जार के ऊपर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी तुम पानी भर रहे हो, तुहाडे इस मोहल्ले दे विच हाल असीं जो देखिया वा साडे लोगों ने नाज़रीन ने देखिया वा, तुसीं इहदे की कहोगे? वेखो रूड़ियां वा तुहाडे सामने ही आ, पानी तीन टाइम भर देना साडे घर पानी, ना कोई सड़क ना सोलंग ना कोई सहूलत है, ना बत्ती दी आ खंभे आ तारा साडे घर ना लगे, भावे बच्चे लग जाए नाल साडे, माने तुसी तीन टाइम पानी घर दा इत्थों ही भरदे हो? इत्थों ही भरी दा वा, आ देख ला रूड़ी दे उत्ते बैठे आ। किन्ने घरां दा इक्को ही पाइप आ? किन्ने घर ने? असीं 40-50 घर है इस गली दे विच, इक्को पाइप ते गुजारा कर रहे हो? पाइप तो गुजारा कर रहे। इत्थे कोई तुहाडी लड़ाई भी रोज हुंदी होणी पानी भरन दी? हुंदी आ हुंदी आ, आ वेख लो किन्ने बर्तन पए ने पानी भरन दे, जिहड़ा कदी दा पाइप नहीं हुंदा सीवरेज का निजाम दिता जाए, साफ पानी दिता जाए, साफ पानी भी दिता जाए, सानू गटर भी दिते जान, साडी गली भी बने, वेखो साडा हाल तो वेखो तुसी खुद ही वेखदे पए। मां जी तुसी वोट दिंदे हो, तुहाडे कोले वोट कमाईते आंदे? वोट लै जांदे, कोई भी नहीं आंदा साडे कोल, झूठ कहंदे असीं वोटां वोट असीं दिंदे आ फ्री दिंदे आ, नहीं तां साडे मुंह ते आके कहण वोटा लै जाने, साडे महल्ले दा कख नहीं काम कीता। इमरान खान ते कहंदा रियासत मदीना बन चुकी है, कुछ भी नहीं ना कोई साडे महल्ले च ते कुछ नहीं बनिया, वेख लो सारे सामने खानी पर जिथे बड़ा सानू नहीं पता। तुसी की कहोगे इमरान खान नूं इस हालत ते जार ते, तुसी की पैगाम? इमरान खान आप तक कोठियां च बैठा सी, रूड़ियां ते बैठे, वेख लो साडा हाल, इमरान खान नूं इह नहीं नजर आंदा ना साडे महल्ले च बारिशां पैंदियां साडे घर तों। नाज़रीन आपने यहां के मोहल्लेदारों की बात सुनी, और अगर आप ये कॉल मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके
कि ये समझ नहीं आ रही कि खंभे के ऊपर जो है ना मीटर लगे हैं या मीटर खंभों के ऊपर लगे हैं, क्या सिस्टम है मुझे कोई समझ नहीं आ रही। इनका कहना है कि वापटा के पास हम बहुत दफा जा चुके हैं, बल्दिया के पास गए हैं, लेकिन हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन अली हसन के साथ हाफिज खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।